मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने सारे मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के संचालक मंडलों को भंग करने की कार्रवाई की। संचालक मंडलों को भंग किया तो ये संभावना पूरी थी कि वो उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे। इनको मेरे तर्कों से सहमत होते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उन याचिकाओं को प्रारंभिक सुनवाई में ही खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक रुसिया जी ने यह अभी निर्धारित किया कि ये याचिकाएं प्रथम दृष्टया ही सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए निरस्त की जाता है।